आधार कार्ड डाउनलोड करने या फिर पीएफ का पैसा विड्रॉल करने या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर का लिंक होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक करेंगे कि आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो वो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। नमस्कार दोस्तों, मऊ टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के यूजफुल वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो चलिए वो वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले हम अपना गूगल ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे UIDAI। जैसे ही सर्च करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा और UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और पेज ओपन होते ही हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा हमें आधार सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। उसमें हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार सर्विस में वेरीफाई एंड आधार। इस पर हम क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड आधार पर। तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे हम आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर कैप्चा एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पे हम क्लिक करेंगे। इस पेज का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए मैं आधार नंबर और कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर आधार नंबर देख सकते हैं ऊपर और इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसी के नीचे लिखा हुआ आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट, यानी आधार से मोबाइल नंबर लिंक है। और उसके नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो एज बैंड लिखा हुआ है 30 से 40, जेंडर मेल। उसके बाद स्टेट लिखा हुआ है कि इस स्टेट का आधार कार्ड है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप देख सकते हैं मोबाइल, नीचे लास्ट में लिखा हुआ है मोबाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल का 3 अक्षर 3 डिजिट, आप देख सकते हैं मोबाइल का लास्ट 3 अक्षर मिलेगा आपको अगर मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो इस प्रकार आपके मोबाइल में शो करेगा लास्ट का 3 अक्षर शो करेगा। अगर नहीं लिंक है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, यहाँ पे खाली रहेगा। इस प्रकार आप अपने मोबाइल फ़ोन से पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।